प्रदेशवासियों को 75वें वन महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जो दो बड़ी परियोजनाओं का हमने आज शुभारंभ किया है, एक बड़ी योजना है कि लगभग 50,000 के करीब वन मित्र जो पौधा लगाएंगे, अपने आप रक्षण करेंगे, हर पौधे पर वन मित्र को 20 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसी प्रकार से एक दूसरी बड़ी योजना जो 5 जून को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिसका शुभारंभ किया था, एक पेड़ माँ के नाम, हरियाणा में आज हमने उसका भी शुभारंभ किया है। जो भी व्यक्ति अपने आप जो भी पौधा लगाएगा, पौधा लगा करके उसका संरक्षण हमारे जो वन मित्र हैं उसके हैंड ओवर करेगा, वो उसका संरक्षण करेगा, प्रति पौधा उसको भी 10 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि 2021 में जब कोरोना का संकट पूरे विश्व के ऊपर था, ऑक्सीजन की बड़ी कमी आई थी, आदरणीय मनोहर लाल जी ने तब ये निर्णय किया था कि हरियाणा के अंदर हम ऑक्सीजन को लगाएंगे। ये 2021 में करनाल में इस ऑक्सीजन का शिलान्यास मनोहर लाल जी ने किया था। आज मेरा सौभाग्य कि आज उसका उद्घाटन करने का भी अवसर मिला है। आज हरियाणा इस कार्यक्रम में, राज्य स्तरीय वन महोत्सव के कार्यक्रम में, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि 20,000 लोगों ने, जिसके अंदर हमारे धार्मिक संस्थाएं भी थी, हमारे एनजीओज भी थे, हमारे स्कूल के बच्चे भी थे, हमारे एनसीसी के कैडर के युवा साथी भी थे, जिसमें हमारे जो धार्मिक संस्थाओं के लोग भी थे, उन सब ने आज करनाल में एक समय के अंदर 20,000 पौधे वो लगाए हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं।